यानी जिन पर गजब किया गया की तफसील बास उलमा के नजदीक ये है कि इससे मुराद वो लोग हैं जिन्होंने हक को पहचान लिया और फिर जानबूझकर उसको छोड़ दिया। अल्लाह ताला की वाज़ेह निशानियाँ उसकी कुदरत के दलाइल मौजज़ात और अज़मत इलाही पर दलालत करने वाली अलामत को आंखों से देखा लेकिन इसके बावजूद इनकार करते रहे तो अल्लाह ताला ने उन पर गजब नाज़िल कर दिया। अज़्ज़ालीम की तफ़सीर में उलमा कहते हैं कि इनसे मुराद वो लोग हैं जो हक को न पहचान सके और उससे दूर रहे, इस वजह से भटकने वाले और गुमराह शुमार किए गए। यहूदियों में ये बहुत बड़ी बुराई थी कि हक को पहचान कर छोड़ दिया और इसी के सबब अल्लाह के गजब का शिकार हो गए और ये गजब उन पर हमेशा रहेगा। यहूदियों को दुनिया में कौन सी जिल्लत पहुंची कि जब बछड़े का खात्मा किया गया और उन्होंने अपने माबूद का जलाया जाना और उसकी राह का उड़ाया जाना देख लिया तो वो समझ गए कि वो गलती पर थे। चुनांचे वो शर्मिंदा होकर मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हो गए, अपनी गलती का इकरार कर लिया और तौबा की ख्वाहिश जाहिर की। तब उस वक्त तौबा का अजीबोगरीब मामला पेश आया। हुक्म हुआ, अल्लाह ताला सूरतुल बकरा आयत 54 में फरमाते हैं, और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, बछड़े को माबूद बनाकर तुमने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अब तुम अपने पैदा करने वाले की तरफ रुजू करो, खुद को आपस में कत्ल करो, अल्लाह के नजदीक इसी में तुम्हारी बेहतरी है। चुनाचे उसने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली, वो तौबा कबूल करने वाला रहम करने वाला है। मतलब ये कि अगर तुम चाहते हो इस गुनाह पर क़यामत के दिन पकड़े ना जाओ तो खुद को कत्ल करो। यहाँ ये बात वाज़े रहे कि इस कत्ल से मुराद खुदकुशी नहीं है बल्कि शिर्क ना करने वालों को हुक्म दिया गया कि वो शिर्क करने वालों को कत्ल कर दें, तो उन्होंने तलवारों और खंजरों के साथ गाय के पुजारियों को कत्ल कर दिया। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मक्तूलीन की तादाद 70 थी। जब 70 आदमी कत्ल हो गए तो मूसा और हारून अलैहिस्सलाम ने आजिज़ी और इंकिसारी के साथ बारगाह इलाही में बख्शिश की दुआ की। अल्लाह ताला ने अपने बरगुजीदा बंदों की दुआ कबूल फरमाई और मक्तूलीन को मुआफ फरमा दिया और बाकी मानदा लोगों को भी बख्शिश से नवाजा। हकीकत में ये सजा अगरचे सख्त थी और भाई का भाई को कत्ल करना ऐसा है जैसे अपने आप को कत्ल करना, लेकिन ये सजा उनकी जिद्दी हट धर्म और सरकश तबीयत के लिए इंतहाई मुनासिब थी ताकि वो बुराइयों से बचना सीखें और अपने गुनाहों का कफारा अदा करें। बहरहाल जब उन्होंने अल्लाह ताला की तरफ रुजू किया, अपने गुनाहों की मुआफी मांगी तो अल्लाह ताला ने भी उनको मुआफ फरमा दिया, जैसा कि अल्लाह ताला सूरतुल आराफ आयत 153 में फरमाते हैं, और जिन लोगों ने गुनाह के काम किए फिर उसके बाद तौबा की और ईमान ले आए तो तुम्हारा रब उस तौबा के बाद गुनाह मुआफ कर देने वाला और रहमत वाला है। इन सब कामों से फारिग होकर मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा मान पड़ा तो उन्होंने तख्तियाँ उठा ली, और जब मूसा का गुस्सा ठंडा हुआ तो उसने उन तख्तियों को उठा लिया और उनके मजामीन में उन लोगों के लिए जो अपने रब से डरते थे हिदायत और रहमत थी। इसके बाद उन्होंने बाकी मानदा बनी इसराइल को जमा किया, उन्हें तख्तियां दिखाई और फरमाया, इनमें अल्लाह ताला के अहकामात हैं और ये तौरात है, लिहाजा सुनो और इताअत करो, लेकिन उन्होंने नापसंदीदगी का इजहार किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें फिर ताकीद की और फरमाया, इनको मजबूती से थाम लो, बगैर किसी तरद्दुद और शक के इनको पकड़ लो ताकि तुम्हें दोबारा अजाब न पहुँचे। उन्होंने जवाब दिया, नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, अलबत्ता हम इन अहकामात की पहचान और मारिफत हासिल कर सकते हैं लेकिन इन पर अमल बिल्कुल नहीं करेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत समझाया लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े रहे। अल्लाह ताला सूरतुल बकरा आयत 92 और 93 में फरमाते हैं, तुम्हारे पास तो मूसा यही दलीलें लेकर आए लेकिन तुमने फिर भी बछड़े ही की पूजा की, तुम हो ही जालिम, जब हमने तुमसे वादा लिया और तुम पर तूर पहाड़ खड़ा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, तुम मुझे अहद पैमान दो कि इन तख्तियों पर लगे अहकामात पर अमल करोगे, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े रहे, कहने लगे हम तेरी इताअत नहीं करेंगे। इस मौके पर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम का एक और मौजज़ा जाहिर कर दिया, उनके देखते ही देखते तूर पहाड़ जमीन पर हिलने लगा, हरकत करने लगा, फिर सबने देखा कि वो अपनी जगह से उड़ा और हवा में तैरने लगा, फिर उनके सर पर आ पहुंचा। मूसा अलैहिस्सलाम पुकारे, हमारी दी हुई चीज को मजबूत थामो। ये सुनकर सब के सब सजदे में गिर पड़े और सर उठा उठा कर देखने लगे कि कहीं पहाड़ गिर ही ना पड़े। अल्लाह ताला सूरतुल बकरा आयत 93 में फरमाते हैं, और जब हमने तुमसे वादा लिया और तुम पर तूर पहाड़ खड़ा कर दिया और कह दिया कि हमारी दी हुई चीज को मजबूत थामो और सुनो, तो उन्होंने कहा हमने सुना और नाफरमानी की, और इनके दिलों में गोया बछड़े की मोहब्बत पिला दी गई थी, बस अब उनके कुफ्र के, उनसे कह दीजिए कि तुम्हारा ईमान तुम्हें बुरा हुक्म दे रहा है अगर तुम मोमिन हो। इसी तरह सूरतुल आराफ आयत 171 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और वो वक्त भी काबिले जिक्र है जब हमने पहाड़ को उठाकर साहिबान की तरह उनके ऊपर मुअल्लक कर दिया और उन्हें यकीन हो गया था कि वो अब उन पर गिरने ही वाला है,
और हमने उनसे कहा कि जो किताब हमने तुम्हें दी है उसको मजबूती के साथ कबूल करो और उन अहकामात को याद रखो जो इसमें हैं, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने तौरात नाजिल फरमाई और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को हुक्म दिया कि तौरात को कबूल करें और उसके अहकामात पर अमल करें, लेकिन बनी इसराइल ने चंद पुर मशक्कत अहकाम की वजह से इसे मानने से इनकार कर दिया, तो अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तूर पहाड़ को इनके सरों पर ला खड़ा करो। चुनाचे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने तूर पहाड़ उनके सरों पर ला खड़ा किया और उनसे कहा गया कि अगर तुमने तौरात को कबूल न किया तो ये पहाड़ तुम पर गिरा दिया जाएगा। चुनाचे वो सब के सब सजदे में गिर गए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से 70 बरगुजीदा अफराद मुंतखब किए और बछड़े की इबादत के अजीम जुर्म की तौबा और माजरत के लिए उनको लेकर तूर पहाड़ पर चले गए ताकि अल्लाह से हम कलाम हो सके। अल्लाह ताला इसके मुतालिक सूरतुल आराफ आयात 155 और 156 में फरमाते हैं, और मूसा ने अपनी कौम में से 70 आदमी हमारे मुकर्रर किए हुए वक्त के लिए मुंतखब किए, सो जब उन्हें जलजले ने आ पकड़ा तो मूसा अर्ज करने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, अगर तू चाहता तो इससे पहले ही इन्हें और मुझे हलाक कर देता, क्या तू हम में से चंद बेवकूफों की हरकत पर सबको हलाक कर देगा? ये वाकया तेरी तरफ से महज एक इम्तिहान है, ऐसे इम्तिहान से जिसको तू चाहे गुमराही में डाल देता है और जिसे चाहे हिदायत पर कायम रखता है। तू ही हमारा सरपरस्त है, बस तू हम पर मगफिरत और रहमत फरमा, और तू ही सबसे बेहतर माफ करने वाला है, और हमारे लिए दुनिया में भी अच्छाई लिख दे और आखिरत में भी, हम तेरी तरफ रुजू करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, मैं अपना अजाब उसी पर वाकई करता हूँ जिस पर चाहता हूँ, और मेरी रहमत हर चीज पर छाई हुई है, तो मैं वो रहमत उन लोगों के नाम जरूर लिखूंगा जो अल्लाह से डरते हैं और ज़कात अदा करते हैं और जो हमारी आयात पर ईमान रखते हैं। यहूदियों का नाम यहूदी क्यों रखा गया? कहा जाता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जो अपनी दुआ में कहा था, हमने तेरी तरफ रुजू कर लिया है, इसी हुदना की वजह से उनका नाम यहूदी रखा गया। हुदना का माना है राह पाना और रुजू करना। बहरहाल अल्लाह ताला ने अपनी रहमत फरमाई और उन्हें बख्श दिया। मूसा अलैहिस्सलाम जिन 70 आदमियों को साथ ले गए थे वो इस गुफ्तगू को सुन रहे थे। गुफ्तगू के बाद जब मूसा अलैहिस्सलाम लौटने लगे तो वो तमाम बोल उठे, ऐ मूसा, तूने तो हमसे वादा किया था कि अल्लाह से मुलाकात करेंगे, लिहाजा हम भी अल्लाह को आमने सामने देखकर ही तुझ पर ईमान लाएंगे। अल्लाह ताला सूरतुल बकरा आयत 55 में फरमाते हैं, और तुम उस वक्त को भी याद करो जब तुमने मूसा से कहा था कि जब तक हम अपने रब को सामने न देख लें हरगिज ईमान न लाएंगे, जिस गुस्ताखी की सजा में तुम पर तुम्हारे देखते ही देखते बिजली गिर पड़ी। ये वो लोग थे जो बनी इसराइल में से चुने हुए और साहिब शरफ व फजीलत थे। वो कितना बड़ा सवाल कर रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें डराया कि अल्लाह से डरो, ये नामुमकिन है, मेरा हाल देख लो, मैंने ख्वाहिश जाहिर की, उसने अपनी हल्की सी तजल्ली डाली तो पहाड़ रेजा रेजा हो गया, मैं अल्लाह का नबी होते हुए बेहोश हो गया, ऐसी ख्वाहिश न करो, लेकिन वो ना माने। तब अल्लाह ताला ने एक बिजली को हुक्म दिया, वो उन पर गिरी, आन की आन में सब लुकमाए अजल बन गए। अब मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ हैरान परेशान खड़े रह गए। कौम के सबसे बेहतर लोग अल्लाह के अजाब का शिकार हो गए थे। उन्होंने सोचा, मैं अकेला वापस जाऊंगा तो बनी इसराइल मुझसे सवाल करेंगे कि वो 70 आदमी कहाँ हैं, मैं उन्हें क्या बताऊंगा? पूरी बात सुनकर वो कहेंगे, हमारे अफसल और आला अफराद के साथ अल्लाह ने ये सुलूक किया। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, इन्हें जिंदा कर दे, मुझे तनहा वापस ना लौटा। आखिर अल्लाह ने उनकी दुआ मंजूर फरमाई। सूरतुल बकरा आयत 56 में है, लेकिन फिर इसलिए कि तुम शुक्रगुजारी करो, उस मौत के बाद भी हमने तुम्हें जिंदा कर दिया। जब वो जिंदा हो रहे थे तो एक दूसरे के जिंदा होने का मुशाहदा भी कर रहे थे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम इन 70 आदमियों के साथ वापस लौटे, फिर बनी इसराइल को लेकर रवाना हुए और ईलिया पहुंच गए। आजकल इसको अल कुद्स कहा जाता है। ये फिलिस्तीन का दारुल खिलाफा था। यहाँ के लोग उम्मत में इंतहा को पहुंचे हुए थे। जिस्म बहुत बड़े थे, आबादी बहुत ज्यादा थी, तमाम इलाकों की सरदारी इनके पास थी। आपने इस शहर के बाहर पड़ाव डाला और बनी इसराइल को हुक्म दिया कि इन लोगों से जिहाद के लिए तैयार हो जाए ताकि इस शहर को फतह किया जाए। इसकी फतह से तमाम इलाके कब्जे में आ जाएंगे। जब आप बनी इसराइल के साथ ईलिया के नजदीक पहुंचे तो वो लोग जंग के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कलों के दरवाजे बंद कर दिए। इनके मुकाबले में बनी इसराइल के दिल दहल रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें हुक्म दिया कि यकजा होकर इन पर एक ही बार हल्ला बोल दो और इन्हें तहतीज कर दो। बनी इसराइल बहुत बुजदिल थे, बहाने बनाने लगे, कहने लगे, हमारी तैयारी मुकम्मल नहीं, हमारे पीछे हमारी बकरियां कौन चराएगा? कोई कहता, 400 साल से जायद मुद्दत गुलामी में गुजरी, फिरौनी हम पर गालिब रहे, इतना अरसा हम लड़ाई के करीब तक नहीं गए, अब हम किस तरह लड़ सकते हैं? इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुमने मेरी इताअत की, मेरी तस्दीक की, तो बहुत जल्द फतह पा लोगे, इस सारी मुकद्दस जमीन पर तुम्हारा कब्जा होगा।
ایلیہ تو تمہاری ایڑی کی نوک پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کا قبضہ تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، تم ہاتھ تو ہلاؤ۔ آپ کی ان باتوں کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ سورۃ المائدہ آیت 21 میں ہے، اے میری قوم اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے، اور اپنی پشت کے بل روگردانی نہ کرو کہ پھر نقصان میں جا پڑو۔ اس پر انہوں نے جو جواب دیا، سورۃ المائدہ آیت 22 میں ہے، انہوں نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، وہاں تو زور آور سرکش لوگ ہیں، اور جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم تو ہرگز وہاں نہیں جائیں گے، ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم خوشی سے اس میں داخل ہو جائیں گے۔ ان کا احمقانہ جواب سن کر بنی اسرائیل کے دو بزرگ یوشع بن نون اور کالب بن یوفا بول اٹھے۔ سورۃ المائدہ آیت 23 میں ہے، دو آدمیوں نے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، کہا تم ان کے پاس دروازے میں تو پہنچ جاؤ، دروازے میں قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی پر تمہیں بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ ان کے لیے کس قدر آسان بات تھی، لیکن بنی اسرائیل کی 100,000 تعداد میں سے کسی ایک کو بھی عمل کی توفیق نہ ہوئی، یہاں تک کہ 70 آدمی جو آپ کے ساتھ کوہ طور پر گئے تھے وہ بھی ڈس سے مس نہ ہوئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائی تھی۔ بڑی ڈھٹائی سے کہنے لگے، قوم نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، جب تک وہ وہاں ہیں تب تک ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے، اس لیے کہ تم اور تمہارا پروردگار جا کر دونوں ہی لڑ بھڑ لو، ہم یہی بیٹھے ہیں۔ یہ زبردست قسم کے گستاخانہ الفاظ تھے، ان کے مقابلے میں غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جو جواب دیا وہ تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف میں درج ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا، انہیں خبر دی کہ قریش کا لشکر آ پہنچا، تو مقداد بن عمرو رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تو اور تیرا رب دونوں چلے جاؤ اور لڑو، ہم یہی بیٹھے ہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں آپ اور آپ کا پروردگار دونوں لڑیں، ہم بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ ہم کو بر کے غماد تک لے چلیں تو ہم راستے والوں سے لڑتے پھرتے آپ کے ساتھ وہاں تک بھی چلیں گے۔ کتنا عظیم فرق ہے موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں۔ یہ صورتحال دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، موسیٰ کہنے لگے، الہی مجھے تو سوائے اپنے اور اپنے بھائی کے کسی اور پر کوئی اختیار نہیں، تو ہم میں اور ان نافرمانوں میں جدائی ڈالے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی بنی اسرائیل کے لیے ایک اور آزمائش اور سزا کا فیصلہ فرمایا، ارشاد ہوا کہ اب زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے، یہ خانہ بدوش لوگوں کی طرح ادھر ادھر سرگرداں پھرتے رہیں گے، اس لیے تم ان فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہونا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ انہیں یہاں سے واپس لے چلے اور قریب والی بستی میں داخل کر دیں، چنانچہ وہ چل پڑے، لیکن وہ بستی نہ آئی۔ سفر کرتے رہے کرتے رہے، لیکن پھر بھی خود کو وہی کے وہی پاتے۔ 40 سال اسی طرح گزر گئے اور وہ اس میدان سے نہ نکل سکے۔ اس میدان کو میدان تیہ کہا جاتا ہے۔ اس دوران البتہ انہیں کھانے پینے کا سامان مہیا ہوتا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پتھر پر لاٹھی مارنے سے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہوئے۔ سورۃ الاعراف آیت 160 میں ہے، اور ہم نے موسیٰ کو حکم دیا جبکہ ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا کہ اپنی لاٹھی کو فلا پتھر پر مارو، بس فوراً اسے 12 چشمے پھوٹ نکلے، ہر ہر شخص نے اپنے پینے کی جگہ معلوم کر لی۔ 12 چشمے اس لیے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ان کے بیٹوں کے 12 قبیلے وجود میں آئے تھے۔ جب یہ کہیں پڑاؤ ڈالتے تو چشمے بہتے رہتے، پوچھ کرتے تو پانی بند ہو جاتا، وہ اس پتھر کو اٹھا کر چل پڑتے، پھر پڑاؤ کی جگہ پر پتھر رکھ دیتے تو پانی جاری ہو جاتا۔ 40 سال اسی طرح گزرے۔ کیونکہ وہ ایک صحرا میں تھے، وہاں سایہ نہیں تھا، سورج کی گرمی کی شدت تھی، آخر انہوں نے کہا، اے موسیٰ، اپنے رب سے دعا کریں کہ ہم دھوپ سے بچ جائیں۔ آپ نے دعا فرمائی، اللہ نے ان کے لیے سائے کا انتظام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 160 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا۔ اسی طرح جب انہیں بھوک ستاتی تو ان کے پاس بے شمار پرندے آ جاتے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 160 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے ان پر من اور سلویٰ نازل کیا۔ ان 40 سالوں میں کچھ اہم واقعات بھی پیش آئے، ان میں سب سے مشہور قصہ گائے والا ہے۔ ایک دن وہ لوگ نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنی قوم کے بڑے افراد میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ اسے قتل کیا جا چکا تھا۔ قاتل کا کوچ لگانے کی کوشش کی گئی لیکن کامیابی نہ ہو سکی۔ آخر وہ سب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، آپ نے اللہ سے دعا کی، تب اس سلسلے میں وحی نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 67 میں فرماتے ہیں، اور موسیٰ نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو انہوں نے کہا، ہم سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں۔
موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ کہنے لگے، بھلا یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ مسئلہ قتل کا ہے اور آپ گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں؟ آپ تو ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، مذاق کرنا تو جاہلوں کا کام ہے۔ انہوں نے جو جواب دیا وہ سورۃ البقرہ آیت 68 میں ہے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کر دے۔ آپ نے فرمایا، سنو، وہ گائے نہ تو بالکل بوڑھی ہو نہ بچہ، بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو۔ اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے بجا لاؤ۔ اس پر وہ بولے، وہ پھر کہنے لگے کہ دعا کریں کہ اللہ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ فرمایا، وہ کہتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو، چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا رنگ۔ اس پر انہوں نے ایک اور سوال کر دیا۔ سورۃ البقرہ آیت 70 اور 71 میں ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمیں اس گائے کی مزید ماہیت بتائے۔ اس قسم کی گائے تو بہت ہیں، پتہ نہیں چلتا، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی، حل میں جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہ ہو، تندرست اور بیداب ہو۔ انہوں نے کہا، اب آپ نے حق واضح کر دیا۔ وہ حکم قبول کرنے کے قریب نہیں تھے، لیکن انہوں نے اس کو مان لیا اور وہ گائے ذبح کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس میں سے ایک گوشت کا ٹکڑا لو اور مقتول کے جسم کے ساتھ لگاؤ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 72 اور 73 میں فرماتے ہیں، جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا، پھر اس میں اختلاف کرنے لگے، اور جو کچھ تم چھپاتے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ ہم نے کہا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا مقبول کے جسم پر لگا دو، وہ زندہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے نشانیاں دکھاتا ہے۔ مقتول کو گوشت کا ٹکڑا لگا تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے بتایا، میرا قاتل فلاں شخص ہے۔ یہ بتاتے ہی وہ پھر مر گیا۔ اس معجزے کو دیکھ کر بھی ان کے دل نرم نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 74 میں فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ بعض پتھروں سے تو نہریں بہ نکلتی ہیں اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور تم اللہ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو۔ مطلب یہ کہ پتھر نرم ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ انہی 40 سالوں کے دوران ایک اور اہم واقعہ پیش آیا۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے فصاحت اور بلاغت سے بھرپور خطبہ دیا۔ ایک شخص نے پوچھا، زمین پر سب سے زیادہ علم رکھنے والا شخص کون ہے؟ آپ نے جواب دیا، میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ انداز پسند نہ آیا۔ اگرچہ بات درست تھی، آپ اللہ کے رسول تھے، آپ کو اللہ سے گفتگو کا شرف حاصل تھا، آپ سے بڑا عالم اس وقت اور کون ہو سکتا تھا؟ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو جواب پسند نہ آیا۔ اللہ کو تو عاجزی پسند ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، زمین پر اس وقت آپ سے بڑا عالم موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ، وہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اسے مجمع البحرین کے پاس مل سکو گے۔ آپ ایک مچھلی پکڑ لیں اور سفر شروع کر دیں، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے گی وہیں وہ عالم موجود ہوگا۔ سورۃ الکہف آیت 60 میں ہے۔ اور جب موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچ جاؤں، یا پھر میں عرصہ دراز تک چلتا رہوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے شریک سفر یوشع بن نون تھے، یہ بھی نبی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی بات دور انہوں نے ہی سنبھالی تھی۔ سورۃ الکہف آیت 61 میں ہے۔ جب وہ دونوں وہاں پہنچے جہاں دونوں دریا ملتے تھے، تو وہاں وہ اپنی مچھلی بھول گئے، جس نے دریا میں سرنگ جیسا راستہ بنا لیا۔ ان دونوں کو علم نہ ہو سکا کہ یہی ان کی منزل ہے۔ مچھلی کو انہوں نے ٹوکری میں ڈال رکھا تھا، وہ وہاں زندہ ہو گئی اور اچھل کر پانی میں چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اس وقت سوئے ہوئے تھے۔ یوشع علیہ السلام نے مچھلی کو سمندر میں جاتے اور راستہ بناتے دیکھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے، یہاں تک کہ آرام کر کے وہاں سے پھر سفر شروع کر دیا۔ اس دن اور اس کے بعد رات سفر کر کے جب دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ اور بھوک محسوس ہوئی، تو یوشع علیہ السلام سے کہا کہ لاؤ بھائی ناشتہ کر لیں۔ یہ تذکرہ سورۃ الکہف آیت 62 کا 65 میں ہے۔ جب یہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا، ہمارا ناشتہ لے آؤ، ہمیں تو اپنے اس سفر سے سخت تکلیف اٹھانا پڑی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ کیا آپ نے دیکھا بھی، جبکہ ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے، وہیں میں مچھلی بھول گیا تھا۔ دراصل شیطان ہی نے مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں۔ اس مچھلی نے انوکھے طور پر دریا میں اپنا راستہ بنا لیا تھا۔ موسیٰ نے کہا، یہی تو تھا وہ مقام جس کی تلاش میں ہم تھے، چنانچہ وہیں سے اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے دیکھتے واپس چلے، اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا۔ اسے ہم نے اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما رکھی تھی، اور اسے اپنے پاس سے خاص علم عطا کر رکھا تھا۔ اکثر مفسرین اس پر متفق ہیں کہ یہ عالم اللہ کے نبی خضر علیہ السلام تھے۔
अल्लाह ने इन्हें नबुव्वत का इल्म अता किया था। मूसा अलैहि सलाम ने इनसे बातचीत शुरू की। कुरान करीम सूरतुल कहफ आयत 66-70 में है। मूसा ने कहा कि मैं आपकी पैरवी करूं कि आप मुझे वो नेक इल्म सिखा दें जो आपको सिखाया गया है। उसने कहा, आप मेरे साथ हरगिज सब्र नहीं कर सकेंगे और जिस चीज की हकीकत का आपको इल्म नहीं उस पर आप सब्र कर भी कैसे सकते हैं। मूसा ने कहा, इंशाल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे और मैं किसी बात में आपकी नाफरमानी नहीं करूंगा। उसने कहा, अच्छा अगर आप मेरे साथ ही चलने पर इसरार करते हैं तो याद रहे कि किसी चीज के बारे में मुझसे सवाल न कीजिएगा जब तक कि मैं खुद उसकी निस्बत कोई तस्करा न करूँ। इस मकाम से मूसा अलैहिस्सलाम ने यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम को वापस भेज दिया। अब मूसा अलैहिस्सलाम का खजर अलैहिस्सलाम के साथ सफर शुरू हुआ। सूरतुल कहफ आयत 71-73 में है। फिर वो दोनों चले यहाँ तक कि वो एक कश्ती में सवार हुए। खजर ने उसके तख्ते तोड़ दिए। मूसा ने कहा, क्या आप इसको इसलिए तोड़ रहे हैं कि कश्ती वाले सब डूब जाएं? ये तो आपने बड़ी खतरनाक बात कह दी। खजर ने जवाब दिया कि मैंने पहले ही तुझसे कह दिया था कि आप मेरे साथ हरगिज सब्र नहीं कर सकेंगे। मूसा ने जवाब दिया कि मेरी भूल पर मुझे न पकड़िए और मुझे मेरे काम में तंगी में न डालिए। दोनों ने सफर शुरू किया। रास्ते में कुछ मिस्कीन लोगों की एक कश्ती देखी। वो मेहनत करते थे, किराया लेकर लोगों को दरिया पार कराया करते थे। उन्होंने खजर अलैहिस्सलाम को पहचान लिया। उन्हें और मूसा अलैहिस्सलाम को कश्ती पर सवार कर लिया। सफर के दौरान खजर अलैहिस्सलाम ने लोहा पकड़ा और लगे कश्ती में सुराख करने। कश्ती के डूबने का खतरा पैदा हो गया। लोग पानी कश्ती से बाहर फेंकने लगे। इस तरह कश्ती खतरे से निकल आई। मूसा अलैहिस्सलाम ने इस फेल को नापसंद फरमाया और बोले, क्या लोगों को डबोने का इरादा है? खजर अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैंने तो पहले ही कह दिया था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम बोले, वाकई मैंने उजरत से काम लिया। उन्होंने माजरत की। सूरतुल कहफ आयत 74-76 में है। फिर दोनों चले यहाँ तक कि वो एक लड़के को मिले। खजर ने उसे मार डाला। मूसा बोले, क्या आपने एक बेगुनाह की जान ली और वो भी किसी के खून के बदले में नहीं? ये तो आपने बड़ी बेजा और नापसंदीदा हरकत की। वो कहने लगे, मैंने आपसे कहा नहीं था कि आप मेरे साथ रहकर हरगिज सब्र नहीं कर सकेंगे? मूसा ने जवाब दिया, अब अगर मैं आपसे किसी चीज के बारे में सवाल करूं तो बेशक मुझे अपने साथ न रखिएगा। यकीनन आप मेरी तरफ से हद्दे उज्र को पहुंच चुके। एक बार फिर सफर शुरू हुआ। सूरतुल कहफ आयत 77-78 में है। फिर दोनों चले एक गांव के पास आकर उनसे खाना तलब किया। उन्होंने उनकी मेहमानदारी से साफ इनकार कर दिया। बस दोनों ने वहां एक दीवार को देखा जो गिरने के करीब थी। उसने उसे ठीक और दुरुस्त कर दिया। मूसा कहने लगे, अगर आप चाहते तो इसकी उजरत ले सकते थे। उसने कहा, बस अब आपके और मेरे दरमियान जुदाई है। अब मैं उन बातों की हकीकत बताऊंगा जिन पर आप सब्र न कर सके। अब उन्होंने वजाहत की। सूरतुल कहफ आयत 79 में है। कश्ती तो चंद मिस्कीनों की थी जो दरिया में काम काज करते थे। मैंने उसमें कुछ तोड़ फोड़ करने का इरादा कर लिया क्योंकि उनके आगे एक बादशाह था जो हर एक सही सालिम कश्ती को जबरन जब्त कर लेता था। फिर उन्होंने दूसरे वाकये के मुतालिक बताया। सूरतुल कहफ आयत 80-81 में है। और उस लड़के के माँ बाप ईमानदार थे। हमें खौफ हुआ कि कहीं ये उन्हें अपनी सरकशी और कुफर से आजिज और परेशान न कर दे, इसलिए हमने चाहा कि उन्हें उनका परवरदिगार उसके बदले उससे बेहतर पाकीजगी वाला, उससे ज्यादा प्यार मोहब्बत वाला बच्चा इनायत फरमाए। तीसरे वाकये की वजाहत सूरतुल कहफ आयत 82 में है। दीवार का किस्सा ये है कि उस शहर में दो यतीम बच्चे हैं जिनका खजाना उनकी दीवार के नीचे दफन है। उनका बाप बहुत नेक था तो तेरे रब की चाहत थी कि ये दोनों यतीम अपनी जवानी की उम्र में आकर अपना ये खजाना तेरे रब की मेहरबानी और रहमत से निकाले। इन तीनों किसस और मामलात की वजाहत करने के बाद खजर अलैहिस्सलाम एक अजीम अमर बयान करते हुए फरमाते हैं। सूरतुल कहफ आयत 82 में है। मैंने अपनी राय से कोई काम नहीं किया। ये थी असल हकीकत उन वाकयात की जिन पर आप सब्र न कर सके। अल्लाह ताला ने खजर अलैहिस्सलाम को बाज़ उमूर गैब पर इत्तला दे दी और वही के जरिए उन पर चंद गैबी मामलात जाहिर फरमा दिए। इस तरह वो जान गए कि वो बादशाह नई कश्तियां गश्त कर लेता है। वो बच्चा बड़ा होकर सरकश बनेगा और दोनों बच्चे बड़े होकर अपना खजाना निकालेंगे। ये उमूर इल्म नबुव्वत की वजह से वाकई हुए थे। अपनी तरफ से खजर अलैहिस्सलाम ने ये तसर्रुफात नहीं किए थे। ये इल्म इंसान की जात की तरफ से नहीं होता। न ही हर इंसान को ये इल्म हासिल हो सकता है। ये तो सिर्फ अंबियाए किराम को अल्लाह ताला की जानिब से हासिल होता है। वो जिसे चाहता है अता करता है, जैसा कि ये इल्म मूसा अलैहिस्सलाम को अता नहीं फरमाया और खजर अलैहिस्सलाम को बतला दिया। बनी इसराइल मैदान तीह में 40 साल तक मुसलसल महसूर रहे। इसी असना में हारून अलैहिस्सलाम वफात पा गए। उन्हें इस मैदान में दफन किया गया
और उनकी वफात के सिर्फ 2 साल बाद मूसा अलैहिस्सलाम भी वफात पा गए। उनकी वफात भी इसी मैदान में हुई। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से एक रिवायत नकल की है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मलिकुल मौत को मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ रवाना किया गया। जब वो आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें एक तमाचा मारा। वो परवरदिगार के पास वापस लौट गए और अर्ज किया, बारी ताला, तूने मुझे ऐसे बंदे के पास भेज दिया जो मरना नहीं चाहता। अल्लाह ताला ने फरमाया, तू फिर उनके पास जा और उसे कह कि एक बैल की पुश्त पर अपना हाथ रखे, जितने बाल उनके हाथ के नीचे आएंगे उतने बरस ही उन्हें जिंदगी मिल जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ परवरदिगार, फिर उसके बाद क्या होगा? फरमाया, फिर भी मरना है। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, तो फिर अभी सही। फिर उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि उन्हें मुकद्दस जमीन यानी बैतुल मक़द्दस से एक पत्थर फेंकने की मिकदार के बराबर करीब कर दे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं वहाँ होता तो तुम्हें मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र बता देता, वो रास्ते के किनारे सुख टीले के नीचे है। इस हदीस को इमाम बुखारी ने सही बुखारी में बयान किया है। मालूम हुआ कि अंबियाए किराम को मौत के वक्त इख्तियार दिया जाता है कि दुनिया में और रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, लेकिन आखिर मौत है। सूरह ज़ुमर आयत 30 में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, यकीनन खुद आपको भी मौत का मजा चखना है और ये सब भी मरने वाले हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र बैतुल मक़द्दस की तरफ जाने वाले रास्ते के किनारे पर है और सिर्फ इतनी दूर है कि जितनी दूर पत्थर फेंका जा सके। आपकी कब्र सुर्ख टीले के नशेब में है। अल्लाह ताला ने आपको मस्जिद अक्सा के करीब दफन होना नसीब फरमाया।